नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस में। आज बीपीएससी का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है। इसमें हम देखेंगे बिहार की जनगणना के बारे में। तो आप जानते हो दोस्तों, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनगणना से, तो बहुत ही इसका महत्व है। तो दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए ये बीपीएससी के लिए वीडियो है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपके 4 से 5 प्रश्न सही हो सकते हैं अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो, ठीक है ना। इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा बिहार का जितना जनगणना है पूरा ही कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, 8 से 10 मिनट के वीडियो में आपका इससे प्रश्न गलत नहीं होगा, 4 से 5 प्रश्न का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो जुड़ने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, रेड बटन जो है, और साइड में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार की जनगणना, जो सेंसस है 2011 का, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये 10,40,99,000 और 452 ये कुल जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है, तो ये 8.58 यानी 8.58% ये भारत की जनगणना का कुल इतना रहता है बिहार में। और अगर देखा जाए तो ये तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इससे दो जो ज़्यादा हैं वो हैं यूपी और महाराष्ट्र, इसके बाद ये तीसरा नंबर आता है बिहार का। क्षेत्रफल देखते हैं इसका दोस्तों, तो क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल, जो कि संपूर्ण भारत का 2.86% है क्षेत्रफल के मामले में। कि बिहार मात्र पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 2.8% रखता है। और क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान कौन सा है सभी राज्यों में, तो 13वां स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से, 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। अब देखते हैं इसके कुल कितने जिले हैं इसमें, तो 38 जिले हैं इसमें कुल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, शेखपुरा। कौन सा है, शेखपुरा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं बिहार का जनघनत्व, तो देखते हैं डेंसिटी कितनी है बिहार की, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको कहा जाता है उस एरिया का जनघनत्व, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली बात कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार, यानी सर्वाधिक इसका जनघनत्व है बिहार का भारत में, ठीक है ना। और कितना जनघनत्व है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है, यानी कि 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में निवास करते हैं। और भारत का जनघनत्व कितना है, तो भारत का जनघनत्व है 382। तो भारत इससे अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये कितना अधिक है, तो 724 अधिक है ये, 724 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में अधिक रहते हैं, जो कि राष्ट्रीय लेवल का जो हमारा जनघनत्व है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या सॉरी सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवहर है। कौन सा है, शिवहर। यहाँ पे 1880 कितना, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम जनघनत्व देखें तो कैमूर का है, जो 488 है। सबसे अधिक जनघनत्व वाले जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे तो शिवहर हो गया, दूसरे पे पटना, तीसरे पे दरभंगा, चौथे पे वैशाली, और पांचवें पे नंबर पे हो गया बेगूसराय। तो ये 5 जिले हैं सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले। सबसे कम जनघनत्व वाले जिले देख लें 5 कौन कौन से हैं, तो कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। ये 5 सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हैं, जो सबसे कम हो गया कैमूर, उसके बाद ये नीचे इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम है कैमूर का। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेटा जो है। चलिए तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो सॉरी यहाँ राज्य हो गया, जिले हैं होना चाहिए, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी और गया। ये 5 जिले हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना में निवास करती है, उसके बाद पूर्वी चंपारण में निवास करती है। तो ये आप सही कर लीजिएगा, नोट डाउन जब करें तो यहाँ राज्य की जगह जिले कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले, यहाँ भी ये राज्य हो गया है तो ये जिला आपको कर लेना है, ठीक है ना।
तो देखिए, शेखुपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, और उसके बाद इस शिवहर का नंबर आता है, उसके बाद अरवल, देन लखीसराय, और उसके बाद है जहानाबाद। तो ठीक है ना, ये सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले हो गए बिहार के। अब देखते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो इसकी दशकीय वृद्धि दर देख लेते हैं, 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है बिहार में। दशकीय वृद्धि दर तो 25.1% दशकीय वृद्धि जनसंख्या में हुई है बिहार में। इससे पहले कितनी थी, 1991 से लेकर 2001 में 28.62% जो दशकीय वृद्धि हुई थी, इस बार घट गया है प्रतिशत। तो आप निकाल लीजिएगा प्रतिशत कितना घटा है, पहले 28.62 था और अब रह गया 25.1%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो ये मधेपुरा में है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद किशनगंज, अररिया, खगड़िया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ये 5 जिले हो गए सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले। ठीक है ना, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले देख लेते हैं जिले, तो वो हैं गोपालगंज, दरभंगा और अरवल, उसके बाद मुंगेर है, देन रोहतास है। तो ये सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हो गए। आगे बात करते हैं नेगेटिव वृद्धि दर वाला दशक कौन सा रहा है बिहार का। तो ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक रहा है 1911 से लेकर 1921, ये ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक रहा है। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं बिहार का लिंगानुपात। तो लिंगानुपात बिहार का 2011 में कितना है, 918 है। कितना है, 918 है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको। और इससे पहले 2001 में कितना था, तो 919 था, एक अंक इसमें गिरा है। तो 919 से 918 हो गया, लिंगानुपात गिर गया है। ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है, 921, और नगरीय क्षेत्र में कितना है, 895। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक है कंपैरिजन टू नगरीय क्षेत्र से। ठीक है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो गोपालगंज में 1021 सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है गोपालगंज में, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। देन सिवान, सारण, किशनगंज और नवादा, ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो ये तीन ही याद कर लीजिए आप, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। तो ये तीन सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सबसे कम है मुंगेर में, ठीक है ना, 876, उसके बाद भागलपुर में 880, उसके बाद खगड़िया में 886। ठीक है, आगे बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है, किशनगंज और ये कटिहार और गया। तो याद रखिएगा, ये तीन जिले जहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुई है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, तो वैशाली में 904, और पटना में 909, और मुजफ्फरपुर में 915। तो ये हैं आपके शिशु लिंगानुपात में सबसे कम वृद्धि वाले। आगे बात करते हैं आयु संरचना की। देखिए, 6 वर्ष से कम आयु का प्रतिशत कितना है, 17.90% है, और 0 से 14 वर्ष की आयु का प्रतिशत कितना है बिहार की जनसंख्या में, 13.24%। तो इसको रट जाइए। साक्षरता की अब बात करते हैं कि लिटरेसी रेट कितना है बिहार का। तो साक्षरता दर कितनी है, 61.8% साक्षरता दर है बिहार की, जो कि राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है। राष्ट्रीय स्तर पे कितना है, 74.4% साक्षरता दर है। वहीं पुरुषों की साक्षरता दर की बात करें, तो ये है 71.2%। महिला साक्षरता दर कितनी है बिहार में, तो ये है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो हैं रोहतास, पटना, भोजपुर और मुंगेर। तो इनको रट जाइए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। आगे बात करते हैं सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो पूर्णिया में, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार। तो ये सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सॉरी एक सेकेंड, आगे है देखिए ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो 59.78% ग्रामीण साक्षरता दर है। वहीं नगरीय साक्षरता दर कितनी है, 76.86% कितनी है नगरीय साक्षरता दर। तो नगरीय साक्षरता दर अधिक है ग्रामीण साक्षरता दर से। अब बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में। तो देखिए, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.71% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है बिहार में। वहीं नगरीय जनसंख्या की बात करें, तो वो है 11.29% नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना के
अनुसार। आगे बात करते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो समस्तीपुर है, 96.53% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, निवास करती है समस्तीपुर, याद रखिएगा, रट लीजिए इसको। और सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है वो है पटना, और सबसे अधिक समस्तीपुर, ठीक है ना, तो इनको याद कर लीजिए। अनुसूचित जाति की बात करते हैं अब कि बिहार में अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है, तो बिहार में कितने प्रतिशत है अनुसूचित जाति निवास करती है, जो 15.91%, यानी 15.91% अनुसूचित जाति, जिसे SC बोला जाता है शॉर्ट में, तो SC का प्रतिशत है 15.91%। सर्वाधिक SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो गया। और सबसे कम SC जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। SC में लिंगानुपात कितना है SC का, तो 925 है। और साक्षरता दर कितनी है SC की, तो 28.5% है। वहीं सर्वाधिक साक्षरता दर देखें अगर SC में, तो वो कौन से जिले में है, तो मुंगेर में। और सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले में है SC की, तो शिवहर में। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें SC में, कौन से जिले में है, वो सीवान में, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले में है, तो वो है भागलपुर में। ये हो गई SC के बारे में। अब देख लेते हैं ST के बारे में, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है ना। बिहार में इसका प्रतिशत कितना है ST का, तो 1.3% निवास करती है ST बिहार में, ठीक है ना। सर्वाधिक ST वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण, कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। और लिंगानुपात कितना है इसमें ST में, तो ये है 958, 958, 958 है इसका लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, कौन से जिले में, तो वो है गोपालगंज में, 1063 यहाँ पे इसका लिंगानुपात है ST का। और सबसे कम लिंगानुपात पटना में है ST का, ठीक है ना। साक्षरता दर कितनी है, तो ये देखिए 28.2%। अब देखिए इसका कंपैरिजन करिए, साक्षरता दर SC में कितनी थी, 28.5%, और इसमें कितनी है, 28.2%, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर है, इसको कंपैरिजन करके इसका याद कर सकते हैं आप। और वहीं लिंगानुपात की बात करें, तो देखिए लिंगानुपात में कितना है, यहाँ पे SC में 925 था, और ST में ज़्यादा है, ST में कितना है, 958%, 958। तो इसको आप एक दूसरे से कंपैरिजन करके याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बिहार की धार्मिक संरचना के बारे में, तो वो कैसे आंकड़े हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए अब बिहार की धार्मिक संरचना देखते हैं, आंकड़े जारी हुए थे ये 2001 की, 2011 की जनगणना के, 2015 में धार्मिक जो जनगणना थी उसके आंकड़े 2015 में जारी किए गए थे। तो हिंदू का कितना प्रतिशत है, तो 82.69% है। वहीं मुस्लिमों का प्रतिशत कितना है, 16.87, 16.87% है। ईसाइयों का प्रतिशत कितना है, तो 0.12% है। और सिख कितना निवास करते हैं, 0.2%। वहीं बौद्ध जैन का सेम रेशियो है, 0.02%। अन्य में 0.01% अन्य में आ गए। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना कोई धर्म नहीं बताया वो कितने लोग हैं, कितने प्रतिशत हैं, तो 0.24% ऐसे लोग हैं। अब देखते हैं भारत की, थोड़ा सा इसको भी नज़र डाल लेते हैं, भारत की धार्मिक संरचना में हिंदू मुस्लिम का प्रतिशत कितना है। हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 96.63 करोड़ है, और प्रतिशत में ये कितना है, तो 79.8% हिंदू जनसंख्या है भारत की। और इसमें गिरावट देखी गई है 0.7% की 2001 की जनगणना के, 2001 की जनगणना के बाद 2011 में कितनी गिरावट हुई है, तो 0.7%। वहीं मुस्लिम जनसंख्या की बात करें, तो वो कितनी है, 17.22 करोड़ जनसंख्या है मुस्लिमों की। प्रतिशत कितना है भारत में, 14.2% है। इसमें वृद्धि देखी गई है, दस इसमें वृद्धि कितनी देखी गई है, तो 0.08% की वृद्धि हुई है मुस्लिम जनसंख्या में। और इससे जो गिरावट हिंदुओं में कितनी हुई है, 0.7% की। तो ये आप देख लीजिएगा, ये भारत की थी धार्मिक संरचना और ये बिहार की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इसको एक दो बार देख जाइए और नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो लोग नए, जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि बिहार का अच्छा खासा इस पर पूरा करंट जीके और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जल्द ही।
और आप इसको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों तक भी ये पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।